किसके विरुद्ध? संतान से जुदा जैसे वाले नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ नहीं, विधायकों के खिलाफ। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के खिलाफ, जो उनके विरोधी गुट के माने जाते थे। ये दर्शाता है कि यहां पर किस प्रकार की दुखद परिस्थितियों का निर्माण हुआ। चाहे रतन सोनी की हत्या हो या बांसवाड़ा में दो छात्राओं द्वारा दुखद परिस्थितियों में आत्महत्या, प्रतापगढ़ क्षेत्र में महिला का जिस प्रकार से अपमान किया गया, आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ जिस प्रकार के अपमान की बात होती है, उसे देखकर इस शौर्य की धरती पर कभी कभी मन का धैर्य जवाब देता है। इसलिए मैं साफ सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार से कि आपकी आदत नहीं बदली है और फितरत नहीं बदली, क्या आतंकवाद का समर्थन करके भी आप सियासत करना चाहते हैं? क्योंकि राजस्थान ही एकमात्र प्रांत रहा जहां ऐसी घटना हुई और एकमात्र प्रांत रहा जहां प्रतिबंध लगने से चंद दिन पहले कोटा में पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो अब बाकायदा न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित एक संगठन है, वहां रैली निकालने की परिचय। यह परिस्थितियां इससे पहले कभी राजस्थान में नहीं लगी। नहीं, वादों और गारंटी का दावा करने वाले लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा क्या हुआ? उस वादे की बजाय गारंटी ये मिली कि दर्जनों बार, डेढ़ दर्जन से अधिक बार पेपर लिखे। किसानों से कहा था कि चुटकी बजाते अंदाज में राहुल गांधी जी ने 2018 के चुनाव में, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव चुनाव हो रहे थे, और ये कहा था बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन में सारा खर्चा माफ कर दूंगा। आज 5 साल के बाद भी किसान परेशान होकर पूछ रहा है। और जो नहीं होता था वो हुआ। सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ कभी खराब नहीं रहता था, वो गिरता। कानून व्यवस्था के लिए कभी ऐसी स्थिति नहीं रहती थी, वो स्थिति देखने को मिली। महिलाओं के अत्याचार, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार, इन सब में राजस्थान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मैं ये भी कहूँ, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी पूरे देश में अव्वल रहने का काम अशोक गहलोत के दौरे हुकूमत में, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में राजस्थान में जन सरोकार, जन समस्याओं से मुंह मोड़कर आपसी लड़ाई और द्वंद में ही उनकी सरकार का कार्यकाल चलता है। इसलिए यदि मैं एक पंक्ति में कहूं तो कांग्रेस के शासनकाल में नौजवान हैरान, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कितनी बार पेपर लीक। किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान, सरकार में आपसी घमासान और किताबों में महाराणा प्रताप की जगह अकबर महा। यह है 5 साल का कांग्रेस के शासन का राजस्व। जिस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, राजस्थान में भी 83 लाख घरों में शौचालय मिला है, उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान में भी 70 लाख उन गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिला जिनके लिए गैस का कनेक्शन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। देश में यदि 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है तो 80 लाख किसानों को राजस्थान में भी किसान सम्मान निधि मिली है। हमने जो काम किया है वो पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ। ट्राइबल कंपोनेंट है बजट, उसके बजट एलोकेशन को देखेंगे तो इनके जमाने में 2013-14 में 20,000 करोड़ था और हमारे टाइम में आते 1,20,000। जनजातीय क्षेत्रों में हम देखें तो जनजातीय गौरव दिवस स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, नवंबर के महीने में ही हम उसे गौरव के साथ। जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारी केंद्र सरकार, पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय का जो योगदान है वो उसको स्थापित करने के लिए दर्जनों जगहों के ऊपर जनजातीय म्यूजियम संग्रहालय बनाए गए जिसमें उनकी इतिहास की गौरव गाथाओं को भी सकते हैं।
इसलिए एक तरफ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से काम करती हुई सरकार, दूसरी तरफ राजस्थान को परेशान हैरान और लहूलुहान करती हुई अशोक गहलोत जी की सरकार, और अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जो अद्भुत है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो जिसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे वो बागी हो, अशोक गहलोत जी की बात, जहां का मुख्यमंत्री बागी खेमे में माना जाए, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बागी खेमे में माना जाए, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी बागी खेमे में माने जाए, जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वो अजय वाकन जी की बाइट आपको याद हो, जो विधायक मिलने नहीं आए मैं जाकर हाईकमान से शिकायत करूंगा, बड़े बेआबरू होकर करेंगे, ये स्थिति देखने को मिली हो। और अब क्या कहा जाए, ये तथा कथित मोहब्बत की दुकान चलाने वालों जिनमें एक दूसरे के लिए क्या मोहब्बत है, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बकौल कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जिंदाबाद और राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुर्दाबाद। इसके बाद ये कुछ कहने को रह जाता है, क्या बात, क्या विवाद, क्या संवाद, क्या प्रमाण। इसीलिए राजस्थान की जनता को इन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता इन चुनावों में निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी, और अशोक गहलोत जी की सरकार से जिस प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं उनका निवारण। एक बिंदु में और कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि राज्यों के चुनावों में आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों को क्यों ले आते हैं? कांग्रेस वर्किंग कमेटी फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करती है, हमास के मुंह में दही जमा के क्यों बैठ जाते हैं? हम भी फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, परंतु भारत सरकार की स्थापित की है 70-75 वर्षों से शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा इसराइल के साथ सह अस्तित्व के साथ। अगर आप वार्ता पर ध्यान है, शांतिपूर्ण पर ध्यान है, सह अस्तित्व पर ध्यान है, वहां पर एक दूसरे को बर्बाद करने का विचार है। उसके बाद पूछना चाहता हूं, ये रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया? भाई बताएं कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उन्होंने प्रस्ताव पारित किया? उसके बाद प्रियंका गांधी जी का ट्वीट, उसके बाद सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती है अखबारों, क्रोनोलॉजी देखी, यानी घटना का कालानुक्रम देखी, फिर केरल में हमास का एक आतंकवादी रैली को संबोधित कर देता, और इसके बाद भी केरल से कश्मीर तक सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा हमास के मामले पे मौन साधना में है, और राम मंदिर के मामले में मुखर विरोध में। यानी आप बिल्कुल साफ है कि यह तथाकथित IMDIA गठबंधन जो कहता था जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, अब साफ लग रहा है इनका नारा है जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास। इसलिए मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, हमारी नीति बहुत साफ है बतौर भारतीय जनता पार्टी, हमारी नीति बहुत साफ है केंद्र सरकार की, आप अपनी नीति बताइए। अफसोस क्या है, आतंकवाद या हो अपराध, हर चीज को सियासत के तराजू पर तौल कर देखा जाता है, यह अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्य। इसलिए मैं अंत में पुनः यह कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी के शासनकाल में नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान, सत्ताधारी दल में घमासान, और किताबों में महाराणा प्रताप की जगह अकबर महान, परंतु अब की बार इस सरकार को निश्चित रूप से बदले का राजस्थान में लगभग 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, आजादी के 78 साल, 55 साल कोई पार्टी केंद्र में 50-55 साल शासन किया,
कोई पार्टी नई नवेली पार्टी हो, आजकल है ना एक आध नई नवेली पार्टी हो, नई नवेली भी है, अजब नवेली भी है, अपने आप में एक पहेली है, वो कहे कि हाँ साहब हम आएंगे और हम ये कमाल कर देंगे, ये कर देंगे, समझ में आता है। आप तो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे हुए हैं, सरकार में रह के चुपे चुपाए, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए, अब आप क्या कह रहे हैं? और 50-55 साल सिर्फ आपकी पार्टी का शासन नहीं रहा, ज्यादातर समय आपके खानदान का शासन था, परिवार का शासन था, तब नहीं किया और अब कहते हैं आप कर देंगे। तो वही जो एक कहावत है कि बाप ने हमारी बेटी बिटवा दी नजदार, अब आगे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साफ दर्शाते हैं वादे खोखले। हाँ, इन्होंने जो वादा किया था ना, किसान से पूरा हुआ ना नौजवान का पूरा हुआ। गारंटी किस बात की मिली? गारंटी मिली अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने, गारंटी मिली राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को, गारंटी मिली महिलाओं के अत्याचार, गारंटी मिली पेपर के लीक, गारंटी यह भी हो सकती है इनकी सरकार आने के बाद ये संबंध से जुदा जैसी घटनाओं की भी गारंटी है। इसलिए राजस्थान की विवेक को जनता समझती है। मैं पुनः कह रहा हूं, अपराध में भी टॉप पे, आतंकवाद का समर्थन देने में भी टॉप पे, और पेट्रोल डीजल की कीमत में भी टॉप। इसीलिए मैंने आपसे व्यवस्था की।